देखिए बेटा, जैसे आप जब सभी जानते हैं, लास्ट क्लास तक हमने फंडामेंटल चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और आज की क्लास में हम गुडविल को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है दो क्लासेस लग जाएं, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि आज ये कंप्लीट हो जाए। क्लियर? दूसरी यस बात, सर, अगर हम गुडविल की बात करें तो जैसे आप जानते हो कि वेटेड तो थोड़ा कम मिला हुआ है इस चैप्टर को अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सैंपल पेपर, लेकिन इसके एक या दो क्वेश्चन आए हम उनको मिस भी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सिंपल चैप्टर है। अगर दो से लेके तीन क्वेश्चन आते भी हैं और हम उनको छोड़ करते हैं तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली बात होने की नहीं सही, राइट? तो हम कोशिश करेंगे कि इसके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, एक तो बहुत सिंपल क्वेश्चन बनेगा, अगर एक क्वेश्चन भी आएगा ना तो आप यकीन मानिए वो बहुत ही जरा सा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, राइट? दूसरी बात कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अब हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं, मैंने आपको सभी को नोट्स प्रोवाइड कराए हुए हैं और आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। कुछ डेफिनेशन से निकल सकते हैं इम्पोर्टेंट कीवर्ड और कुछ हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन से निकल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताया कि गुडविल की डेफिनेशन है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इट इज द मोनेट्री, है ना? क्या देख पा रहे हो आप? कि इट इज द मोनेट्री मॉनेटरी वैल्यू। ये क्या ऐसी वैल्यू है जी? मॉनेटरी वैल्यू। आप सभी जानते हैं कि मॉनेटरी वैल्यू का मीनिंग होता है जिसको हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना? वैल्यू दैट इनविजिबल पावर। तो ये भी याद रखना, गुडविल की इनविजिबल पावर होती है, जैसे कि आप सभी जानते हैं गुडविल दिखाई नहीं देती लेकिन उसकी पावर होती है बिजनेस में, विच अट्रैक्ट्स द कस्टमर्स। ये भी आप सभी जानते हैं, ये कस्टमर को क्या करती है बेटा? अट्रैक्ट अट्रैक्ट्स करती है, राइट? तो ये गुडविल की जो हमने बात पढ़ी है अभी, ये होगी इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन से हम एक वर्ड सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं बेटा? कि डेफिनेशन से हमें पता चल गया कि गुडविल की जो होती है वो मॉनेटरी वैल्यू होती है और इसकी एक इनविजिबल पावर हाँ होती जी, है। यस क्लियर? आगे अगर हम चलें सर, बेटा, कि इसमें सबसे ज्यादा कीवर्ड जो मिलेगा अगर आप मेरे हिसाब से समझें, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट हो गया ये वाला वर्ड, क्या? कि इट इज एन इंटेंजिबल। कैसा? कि इट इज एन इंटेंजिबल इनटेंजिबल एसेट्स। तो ये आपको पता होना चाहिए गुडविल कैसी होती है बेटा, आपको पता होना चाहिए। फर्स्टली यू हैव टू नो दैट गुडविल इज अ एसेट, एंड विच टाइप ऑफ एसेट? इनटेंजिबल एसेट। गॉट इट? एंड इट रिप्रेजेंट द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। और किसी भी बिजनेस की गुडविल ही रिप्रेजेंट करती है उसकी मार्केट में रेपुटेशन क्या है। अगर किसी बिजनेस की हम कह रहे हैं कि गुडविल 4 करोड़ रुपए की है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि उसकी रेपुटेशन मार्केट में कितनी होगी। गुड और मैं कह दूं उसकी बाजार में मार्केट जो है 40,000 है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि उसकी बाजार में रेपुटेशन क्या होगी। क्लियर होगी बेटा बात? कितनी बेकार है। उसके बाद, हाँ जी, कितनी बेकार है, सॉरी। आगे चलते हैं, कह रहा फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल। कुछ फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल होते हैं, कुछ सैंपल्स पेपर में और कुछ जो भी हमने मॉडल्स पेपर देखे हैं उनमें फैक्टर अफेक्टिंग का भी एक आधा क्वेश्चन आ रहा है। तो वे फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं गुडविल को, ये आपको पता होना चाहिए कि गुडविल किन चीजों पर अफेक्ट करती है। जैसे कि लोकेशन, कि बिजनेस का लोकेशन कहाँ है। भाई आप एक सीधी सी बात समझिए कि आप एक शोरूम समझिए, जैसे कि बहुत अच्छे कपड़ों का शोरूम है ना, वो आपके हाईवे पे है, हाँ नेशनल जी, हाईवे पे। तो क्या उसकी गुडविल बहुत हाँ अच्छी जी, होगी या वहां पर बहुत ज्यादा कस्टमर जाते होंगे? रेयर है, राइट? नहीं जी, हाँ है ना, बिल्कुल वो नहीं जाते होंगे। जी, या फिर एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत बदबू है, छोटी गलियां हैं, है ना, गंदगी है, तो वो गुडविल अच्छी नहीं होनेगी। लेकिन सर, अगर वही शोरूम आपके यस सर, चौड़ी गली पे है, मार्केट के बीच में है, अच्छी पोजीशन पे है, जहां पार्किंग की व्यवस्था है ना, तो आप देख रहे होंगे तो अफेक्ट यस करेगी, सर, चाहे वो डिक्रीज करे उसको और चाहे क्या करे बेटा उसको, इंक्रीज इनक्रीज करे और चाहे डिक्रीज करे, कुल मिला के बात क्या होगी कि गुडविल क्या होगी बेटा, आपकी अफेक्ट होगी। क्लियर हो रही ना बात? तो ये चीज अफेक्ट करती है। दूसरी बात, दूसरी चीज क्या है बेटा आपकी? बेटा जिसके पास नॉइस है वो माइक को बंद करे, ये रिकॉर्डेड होती है, फिर जब आप रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं तो आप इरिटेट हो जाओगे, ठीक है? दूसरा, दूसरा पहला तो हो गया लोकेशन, दूसरी की अगर हम बात करें बेटा, दूसरा है आपका पहला लोकेशन, दूसरा है एफिशिएंसी मैनेजमेंट।
तो मैनेजमेंट कैसा है ये भी अफेक्ट डालता है, किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट जैसा होगा उसी हिसाब से उसकी गुडविल भी होगी, है ना। एफिशिएंसी आपने बिजनेस में बिजनेस स्टडीज में वर्ड पढ़ा हुआ होगा, आई थिंक आप समझ गए होंगे। मार्केट पोजीशन, किसी बिजनेस की मार्केट में पोजीशन क्या है ये भी इफेक्ट डालता है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, देखो अगर आप आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम है और आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत लो देते हैं तो क्या होगा, गुडविल बहुत डाउन चल जाएगी। लेकिन अगर आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छे देंगे तो गुडविल बढ़ जाएगी। तो यानी कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी मैटर करता है। आगे चले, अगर आफ्टर सेल सर्विस, मेरे हिसाब से तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कारण है इसका आफ्टर सेल सर्विस का, ये होता है आपने प्रोडक्ट बेच तो दिया, उसके बाद आप कस्टमर को सर्विस कैसे देते हैं। आपको आपको नहीं पता होगा शायद अभी एज ए स्टूडेंट, लेकिन एक प्रैक्टिकल कस्टमर जो होता है ये इस चीज को बहुत वेरी करता है ना। अगर कोई जैसे कि आप मोबाइल से ज्यादा अटैच्ड हो, तो अगर कोई मोबाइल की कंपनी आफ्टर सेल सर्विस बहुत बेकार देता है, सपोज MI को ले लेते हैं, अगर MI हमारा मोबाइल है और हम खरीद देते हैं लेकिन हम कस्टमर सर्विस पे देते हैं तो बहुत ज्यादा चार्ज करता है और क्या करता है कि बहुत काफी टाइम बाद मोबाइल को ठीक करके देता है, यस लेट करके देता है। तो आप उसके प्रोडक्ट को धीरे धीरे खरीदना बंद कर दोगे और अपने दोस्त को, अपने जो भी आपके रिलेशनशिप में है, फैमिली में है, आप उनको क्या कह दोगे, आप उनको कह दोगे कि भाई ये वाला चीज खरीदो क्योंकि इसकी मार्केट वैल्यू बहुत बेकार है, इसकी मार्केट वैल्यू बहुत बेकार है, राइट। तो मार्केट वैल्यू कह रहा, सॉरी आफ्टर सेल सर्विस थोड़ी उनकी बेकार है, क्लियर होगी बात, बेकार है। तो आप यस आगे चलते हैं। ये हो गया आपकी एज ए थ्योरेटिकल, अगर हम थ्योरेटिकल में बात करें तो आप इतनी बात समझ में आ गई होगी। यस सर, ठीक है, चलिए। तो ये आपने देख लिया बेटा फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल। तो ये जो फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल होते हैं ये यहाँ तक आपने समझ लिया एज ए थ्योरेटिकल। अब बात आती है बेटा बेटा मेथड्स की, कि मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि गुडविल के वैल्यूएशन के मेथड्स कितने होते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो मेथड जो होते हैं बेटा वो आपके तीन तरीके के होते हैं, जैसे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। ये आपने पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, हाँ जी ये आपने पढ़े हुए हैं, यस सर, पहले भी, लेकिन हम इनको रिकॉल करेंगे एक बार। सिंपल पहला है आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज। सुपर सिंपल होता है, इसके अंदर कोई मेथड नहीं, लेकिन कैपिटलाइज के अंदर दो है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्लियर, सुपर प्रॉफिट, यस हाँ जी। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी क्लियर कराने चाहता हूँ जो इस नोट्स में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये पहले पैटर्न दूसरा था तो उस हिसाब से जरूरत थी। क्लियर, हाँ जी, वेट इट। चलिए देखो बेटा, यहां तक कि आपकी थ्योरी क्लियर होगी होगी जितना हमने पढ़ा, लेकिन यहां पर आपको एक बात और समझ सकते हो बेटा आप, क्या चलिए आप एक बात और समझिए बेटा, जो आपके गुडविल होती है ये दो तरीके की होती है। एक होता है बेटा सेल्फ जनरेटेड गुडविल, पढ़ाया हुआ ना मैंने आपको पहले से ही, और दूसरी होती है बेटा आपकी परचेज्ड गुडविल, राइट। तो यहां पर एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है आप इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अगर हम बात करें रिकॉर्ड की, तो आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपकी परचेज गुडविल है जिसके लिए आपने कुछ ना कुछ पे जरूर किया है, आप उसी को रिकॉर्ड करते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे चलते हैं, ये बात कौन कहता है, ये बात कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। ये मैंने आपको पहले भी बहुत फोकस करके पढ़ाया है, हाँ ना, सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन, वेरी गुड, ओके। मैं तो पहले कह रहा सिर्फ मैं वही पढ़ाऊंगा जिसकी आने की ज्यादा जरूरत है, ठीक है ना।
आने के ज्यादा चांस है। आगे चलते हैं बेटा, ये होगी थ्योरी, अब आते हैं वापस से मेथड पे आ जाते हैं, मेथड्स पे आ जाते हैं वापस। हाँ जी, मेथड्स की बात कर रहे थे हम। मेथड्स में आपके पास जो मेथड है वो है ये तीन मेथड। ये तीन मेथड में सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, ये जो है आपके एवरेज प्रॉफिट मेथड के दो मेथड है। ज्यादातर चांस सिंपल के हैं, वेटेड के नहीं है। अगर आप बहुत ही कम पढ़ना चाहते हैं, सुपर के पूरे पूरे चांस हैं, और कैपिटलाइजेशन के अंदर दोनों के चांस हैं, लेकिन इसके थोड़े ज्यादा है। आप देखोगे क्वेश्चन भी किसी भी सैंपल पेपर में इसके ज्यादा मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि इसका नहीं आने का, इसका भी सकता है, लेकिन चांस की बात चल रही है तो पूरी ईमानदारी से बात करनी पड़ती है, राइट। आगे चलते हैं। अब मेथड को समझने से पहले आपको एक बात और समझनी पड़ेगी यहाँ पे, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। अगर ये बात समझ ली आपने तो फिर तो कल्याण आपका इस चैप्टर में, ठीक है जी। देखो यहाँ पे एक बात समझिए बेटा, कि आपको याद होगा, अगर थोड़ा सा रिकॉल कर पाए आप, तो मैंने आपको सबसे पहले समझाया था कि गुडविल क्या है। चलो पहले मैं डीपली बता देता हूँ। गुडविल कैलकुलेट की जाती है अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट, हाँ या ना? Yes, sir. और yes, प्रॉफिट किस तरीके से निकालते हैं बेटा? प्रॉफिट हम निकालते थे बेटा, एक अकाउंट बनाया जाता था, एक अकाउंट बनाया जाता था बेटा, जिस अकाउंट का नाम क्या होता था बताओ? कैलकुलेट नॉर्मल? नहीं नहीं नहीं, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम नॉर्मली बिजनेस में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। बिल्कुल सही, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो अगर आपको 11th में थोड़ा सा रिकॉल कर पाए तो यहाँ पे हम लिखते थे बेटा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जैसे रेंट है ना, यस। और यहाँ पे लिखते थे हम बेटा इनकम्स, इनडायरेक्ट है ना। मैं इनडायरेक्ट को भी हटा दूं क्योंकि आप इतना कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, आपको तो चाहिए। यहाँ पे हम क्या लिखते थे? एक्सपेंस एंड लॉस, एक्सपेंस अर्निंग इनकम है ना। और यहाँ हम कंबाइन बना रहे हैं, लेट अस सपोज हम यहाँ पे ट्रेडिंग भी कम इंक्लूडेड बना रहे हैं। क्लियर बेटा? यस सर, कर देते थे ना ऐसा। तो ये बात बहुत जरूरी है जो मैं बता रहा, अगर आपने समझ ली तो ये मान के चलो दुख दूर। यहाँ आ जाओ जी। लेकिन आपको क्योंकि आपने रेशो भी कर लिया है, तो आपको एक बात भी पता चल गई कि हमारे जो एक्टिविटीज होती है वे दो तरीके की होती है, एक तो ऑपरेटिंग और एक होते हैं नॉन ऑपरेटिंग, आया ना? यस सर, यस सर। इसका क्या मीनिंग होता है? जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं वो ऑपरेटिंग, जिस चीज का हम बिजनेस नहीं कर रहे वो नॉन ऑपरेटिंग, आया ना? तो ये दोनों दोनों चीजों में बढ़ जाती है। इस ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी होते हैं और ऑपरेटिंग आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी होते हैं, ठीक है ना? ऑपरेटिंग जो है और नॉन ऑपरेटिंग वे एक्सपेंस भी होती हैं और इनकम्स भी होती हैं। इनकम भी। ये बताओ समझ में आई इसके बाद? यस सर। देखो बेटा मैं कह रहा हूँ कि आपके जो ऑपरेटिंग होते हैं वो एक्सपेंस भी होती है, ऑपरेटिंग इनकम भी होती है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी होते हैं और इनकम्स भी होती हैं। अगर मैं बात करूं बेटा 11th क्लास की, तो यहाँ पे हम दोनों एक्सपेंस लिखते हैं, ऑपरेटिंग लिखते हैं, सॉरी हाँ, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग दोनों तरह के एक्सपेंस लिखते हैं, समझ में आ रही बात? ऐसे ही इनकम भी हम ऑपरेटिंग इनकम भी लिखते थे यहाँ पे, और नॉन बिल्कुल सही बेटा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम इनकम्स भी हम यहाँ पे लिखते थे, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने कहा कि जब आप गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं तो भाई आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हटा दीजिए, और बात भी सही है क्योंकि गुडविल निकाल रहे तो फिर ये थोड़ी हमारे प्रॉफिट में इंक्लूड होनी चाहिए, हाँ या ना? हाँ जी, नहीं जी, बिल्कुल सही है ना बात? यस सर, हाँ जी बिल्कुल। तो ये कहता है
अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं हम ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग का, एक एक एग्जांपल देखो। एक्सपेंस की अगर मैं बात करूं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जैसे कि माइक बंद करो बेटा जिसके पास नॉइज। अगर मैं ऑपरेटिंग की बात करूं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस जैसे बेटा हमारा, मैं कह दूं सैलरी है, एम्प्लॉइज को क्या देनी बेटा, सैलरी देनी, ठीक है ना, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस। लेकिन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस या लॉस हो गया, जैसे कि लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय फायर तो बताओ नॉन ऑपरेटिंग है ना भाई, लॉस थोड़ी हो रहा, या हमारा नेचर थोड़ी है लॉस होने का या एक्सपेंस होने का, लेकिन सैलरी हमारा ऑपरेटिंग है। ऐसे इनकम होती है भाई, इनकम हुई हमारी, ऑपरेटिंग इनकम हुई हमारी, सेल्स हुई तो रिवेन्यू है हमारा, हाँ जी हाँ है ना। लेकिन नॉन ऑपरेटिंग क्या है, जैसे कि आपको इंटरेस्ट मिला, किस पे मिला, आउटसाइड इन्वेस्टमेंट पे मिला, नहीं ये देखना पड़ेगा किस पे इंटरेस्ट मिला, इन्वेस्टमेंट पे मिला जो हमने बाहर कर रखा था, या फिर आपको सेल गेन हुआ, आपको क्या हुआ बेटा, गेन हुआ, गेन ऑन गेन हुआ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इस बात को समझो, ठीक है ना भाई, हमारा काम थोड़ी है एसेट्स को सेल करना, बताओ, नहीं जी, लेकिन उस पर गेन हो गया तो ये भी हमारा कैसा माना जाएगा बेटा, एबनॉर्मल, नॉन ऑपरेटिंग, हाँ जी नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग। तो उसी को इस चैप्टर में हमने क्या किस नाम से बोल दिया, एक तो नॉर्मल, एक एबनॉर्मल, एबनॉर्मल, क्लियर होगी बात, नॉर्मल नॉर्मल, हाँ जी हाँ, नॉर्मल और एबनॉर्मल, नॉर्मल समझ गए होंगे, ऑपरेटिंग को बोलेंगे चाहे वो इनकम हो और चाहे आपकी एक्सपेंस हो, एबनॉर्मल किसको बोलेंगे बेटा, नॉन ऑपरेटिंग को, चाहे वो हमारी इनकम हो और चाहे हमारी इनकम हो या एक्सपेंस हो, एक्सपेंस हो, क्लियर होगी ना बात, ये अगर ये समझ में आ गई तो बहुत चीजें आपके क्लियर होगी, यानी कि आगे चलते हैं। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए मैं आपको और बात बता दूं, इसका इफेक्ट देखना पड़ेगा हमें, इम्पैक्ट देखना पड़ेगा आपको कि इम्पैक्ट क्या होता है, इसका एक्चुअल में इम्पैक्ट क्या आएगा, यहाँ पे ये बात भी बहुत आप ध्यान से समझना। देखो बेटा यहाँ पे इस बात को बहुत डीपली समझना जो मैं बताने जा रहा, अगर यहाँ पर कोई एक्सपेंस आपने एक्स्ट्रा लिख दिया जो लिखना नहीं था, तो ये बताओ प्रॉफिट जो होगा वो क्या हो रहा होगा, वो कम आ रहा होगा जी, बढ़ रहा होगा, बिल्कुल कम आ रहा होगा ना, हाँ जी। तो कोई एक्सपेंस जो आपने कैसा लिख दिया होगा, यानी कि मैं कहूँ तो आपने अगर कोई एक्सपेंस कैसा लिख दिया होगा, एबनॉर्मल, तो प्रॉफिट क्या हो रहा होगा आपका, कम हो रहा होगा, कम। अगर आपने कोई एक्सपेंस लिखना था लेकिन नहीं लिखा तो प्रॉफिट क्या हो रहा होगा, ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा हो रहा होगा, इस बात को समझ लेना। तो एक तो एडजस्टमेंट यही आ सकती है इनको ठीक करने की, अभी समझाऊंगा इसको डीपली, लेकिन फिलहाल समझते चलो। ऐसे यहाँ पे इनकम होगी, एक तो एबनॉर्मल, जी एबनॉर्मल इनकम, अगर यहाँ पे एबनॉर्मल लिख रही होंगी इनकम तो प्रॉफिट क्या हो रहा होगा, ज्यादा हो रहा होगा, प्रॉफिट क्या हो रहा होगा, ज्यादा बढ़ रहा होगा, और इनकम जो लिखनी थी लेकिन आपने नहीं लिखी तो प्रॉफिट क्या हो रहा होगा बेटा, कम हो रहा होगा, प्रॉफिट कम हो रहा होगा। तो मैं कह सकता हूँ शॉर्टकट में, इनकम में तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, देख ध्यान से देख लो चाहे आप, जी है ना डायरेक्ट भाई, एबनॉर्मल इनकम बढ़ रही होंगी तो प्रॉफिट भी बढ़ रहा होगा, एबनॉर्मल इनकम घट रही होंगी तो प्रॉफिट भी घट रहा होगा, लेकिन एक्सपेंस में उल्टा है ना, एक्सपेंस में उल्टा है, अगर एक्सपेंस नहीं लिखा होगा तो प्रॉफिट बढ़ रहा होगा, एक्सपेंस लिखा होगा तो प्रॉफिट घट रहा होगा, अब क्या करना,
अब इसे ठीक करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, आपको रिवर्स कर देना सब कुछ, ठीक है जी। आपको क्वेश्चन में क्या देगा, आपको देगा एबनॉर्मल प्रॉफिट देगा। आपको उसको क्या बनाना बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट। मान लीजिए यहाँ पे आप नॉर्मल बनाना, इसको नॉर्मल बनाना, मुझे यहाँ पहुंचना नॉर्मल में, मुझे नॉर्मल प्रॉफिट निकालना, ये पहुंचना। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ चीजें ऐड और कुछ चीजें माइनस करनी पड़ेगी। इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको एज ए कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। कुछ टीचर्स रटवा देते हैं बुक, उसमें एडजस्टमेंट होती है, लेकिन हम रटेंगे नहीं क्योंकि रट के काम चलेगा नहीं। क्लियर? देखिए एक मिनट वेट, चलिए जी। अब इसको ठीक करना, देखो जी, कोई खर्चा कोई एक्सपेंस अगर नहीं लिख रहा था तो प्रॉफिट क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट क्या हो रहा होगा, नहीं अच्छा, कोई एक्सपेंस लिखना नहीं लिखा था हमने और लिखना चाहिए था तो प्रॉफिट क्या हो रहा होगा, ज्यादा, राइट, घट रहा होगा। क्यों जी? सही बोल रहा था मन, सही। तो उसको क्या हो रहा होगा, ज्यादा, तो हम उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है ना, प्रॉफिट में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे एक्सपेंस, राइट, एक्सपेंस। हाँ जी, और कोई एक्सपेंस, कोई ऐसा एक्सपेंस बेटा जो एक्सपेंस हमने लिख दिया था लेकिन नहीं लिखना था, तो प्रॉफिट क्या हो रहा होगा, कम, तो उसको एक्सपेंस को क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे। हाँ या ना? यस सर। ऐसे ही प्रॉफिट की बात करते हैं, अगर प्रॉफिट एबनॉर्मल प्रॉफिट है, इंक्रीज हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा, कोई इनकम आपने बढ़ा रखी है बिना बात के, तो प्रॉफिट बढ़ रहा होगा, और प्रॉफिट बढ़ रहा होगा तो आप उसको क्या कर दोगे, घटा दोगे, है ना? नॉन ऑपरेटिंग इनकम को आप क्या कर दोगे, घटा दोगे। सिमिलरली कोई इनकम लिखनी थी लेकिन आपने नहीं लिखी तो प्रॉफिट कम हो रहा होगा सर, ठीक करने के लिए वापस से क्या कर दोगे, एड बैक कर दोगे ऑपरेटिंग इनकम। सर एक्सपेंस से होगा, जो एबनॉर्मल एक्सपेंस होगा वे भी वो कर देगा माइनस, क्या बेटा, एक्सपेंस में भी ऐसे होगा, जो एबनॉर्मल एक्सपेंस होगा, हाँ वो एबनॉर्मल या नॉर्मल वही तो बोल रहा मैं, ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग। एक्सपेंस नहीं लिखा था तो प्रॉफिट बढ़ रहा होगा तो माइनस, इसमें रिवर्स होता है, इसमें तो डायरेक्ट है माइनस, इसमें तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इसमें इनवर्स है, ठीक है, जो बढ़ रहा हो, जो एक्सपेंस, जो एक्सपेंस नहीं लिखा होगा तो प्रॉफिट बढ़ रहा होगा, उसे ठीक करने के लिए क्या करोगे, माइनस। लेकिन कोई एक्सपेंस आपको लिख दिया आपने और वो लिखना ही नहीं था तो प्रॉफिट घट रहा होगा, तो उसे वापस से क्या करोगे, प्लस। क्लियर होगी क्या ये बात? यस सर। बाकी नोट्स में है, एग्जांपल देख लेंगे कुछ, राइट, देखो ये रहा, देखो पापा, चलिए क्लियर बेटा बात। तो यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं, अगर किसी को ज्यादा समझ में नहीं आया तो आप ऐसे समझ सकते हैं। देखो नेट प्रॉफिट जो गिवन है हमें, जो नेट प्रॉफिट गिवन है उसमें हम क्या करेंगे भाई, जो नेट प्रॉफिट हमें गिवन है उसको ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे प्रॉफिट हमने लिख दिया भाई, ये प्रॉफिट लिख दिया, इसमें हम ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे, और कुछ चीजें लेस कर देंगे। तो आप देख सकते हो क्या चीजें हमने ऐड करी और क्या चीजें लेस करी। एबनॉर्मल लॉस क्या कर दिया बेटा हमने, सर जी ऐड, मेरे पे तो स्क्रीन ही नहीं आ रही, ब्लैक ब्लैक आ रहा। चलिए जी, तो बेटा आप देख सकते हैं कि आपको क्या करना है, ये जो एक्सपेंस है एबनॉर्मल लॉस है आपने वापस से क्या कर दोगे, ऐड, और नॉन बिजनेस एक्सपेंस भी आप ऐड कर दोगे, ठीक है जी। लेस क्या कर दोगे, एबनॉर्मल गेन और नॉन बिजनेस इनकम्स, ये भी लेस कर दोगे, तो क्या आ जाएगा आपका, आपका नॉर्मल फास्ट बिजनेस प्रॉफिट आ जाएगा। समझ में आ गई भाई बात सबके? यस सर। चलिए
इसके एग्जांपल लेते हैं कुछ, ताकि आप और अच्छे से समझ पाओ। ये समझना बहुत जरूरी है। एग्जांपल, एग्जांपल्स लेते हैं बेटा, एग्जांपल लेते हैं हम नंबर वन। चलिए जी, हम लिखते हैं मशीन परचेज्ड, ये सबसे ज्यादा आ सकता है, और मशीनरी। Which was wrongly, debited to repair account. बताओ जी, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ होगा? सर जो मशीन है वो हमने गलती से डेबिट कर दी, खरीद रिपेयर अकाउंट में डेबिट कर दी। बिल्कुल, रिपेयर अकाउंट में डेबिट करने का मतलब है खर्चों में डेबिट कर दी, एक्सपेंस में। हाँ या ना? यानी लॉस हमने लॉस वो हो गया, प्रॉफिट। जब हमने पीएनएल अकाउंट बनाया होगा तो हमने यहाँ पे लिख दी मशीनरी, जबकि मशीनरी यहाँ थोड़ी आती है। मशीनरी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो तो बैलेंस शीट में जाना था, लेकिन हमने पीएनएल में लिख दिया, तो खर्चा बढ़ गया। हमने खर्चा ऐसा बढ़ा रखा जो लिखना ही नहीं था। वापस से ठीक करने के लिए क्या कर दो बताओ जी? माइनस कर दो। अच्छा, माइनस कर दो। प्रॉफिट क्या हो रहा होगा इससे, ये बताओ? खर्चे लिखने से प्रॉफिट क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा या बढ़ रहा होगा? बढ़ रहा होगा, ऐड कर दो। प्रॉफिट घट रहा होगा, खर्चे बढ़ेंगे तो तुम्हारी इनकम घटेगी या बढ़ेगी? खर्चे बढ़ेंगे, खर्चे बढ़ रहा ना, खर्चा बढ़ रहा था तो इनकम घटती है, ऐसे समझ लो। और खर्चे कम होते हैं तो इनकम बढ़ती है, ठीक है जी? तो आपने मशीनरी में लिख रखा बिना बात की, जो आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं था, ठीक है? तो आपने इसको क्या कर दिया था, डेबिट कर दिया था गलती से। तो एक्सपेंस ज्यादा होने की वजह से प्रॉफिट क्या हो रहा था आपका, ये एडजस्टमेंट पूछी जा सकती है। प्रॉफिट क्या हो रहा था आपका, कम हो रहा था। वापस से ठीक करने के लिए रिवर्स क्या करेंगे भाई, ऐड करेंगे। तो इस बात को समझ में आ गई क्या? बिल्कुल सही। आगे चलो, दूसरा समझिए। मशीनरी होगी एग्जाम्पल, सॉरी ये ले एग्जाम्पल, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, या फिक्स्ड एसेट की जगह फर्नीचर दे दिया, मशीनरी दे दी, ठीक है, फर्नीचर ले लिया मैंने, ₹5,000। बताओ जी क्या करेंगे इसका? माइनस कर दो। हाँ, क्योंकि इनकम बढ़ रही है ना। इनकम क्या हो रही, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इनकम बढ़ रही है और ठीक करने के लिए क्या कर देंगे जी, माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारी जो रिवेन्यू नेचर की नहीं, नॉन ऑपरेटिंग है। हाँ जी, क्लियर होगी बात? यस सर। ठीक है, इस क्लास में हम इतना ही रखेंगे और उसके बाद नई वीडियो में स्टार्ट करेंगे एग्जांपल से ही, ठीक है बेटा? तो नई वीडियो में मिलेंगे।